आइए दोस्तों, हम आपको अब मैदान खिताबत की तरफ लिए चलते हैं, मैदान वाज नसीहत की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर आप अकाबिरीन के बातों से मुस्तफीज होंगे। मैं उनकी सबसे पहले कड़ी अपने उस्ताद मोहतरम हजरत अकदस मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब कासमी दामोदरगाह उम्मुल आलिया से इल्तिमास है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं। मैं हजरत वाला का इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूं, जो कि मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं और मैदान मुनाज़रा के भी शहसवार हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत से औसाफ से नवाजा है, बहुत सारे औसाफ से नवाजा है। हजरत हमा वक्त हर वक्त बातिल के लिए सोती हुई तलवार की तरह और म्यान से निकले हुए तीर की तरह तैयार रहने वाले हैं। हजरत का दावा है और हजरत का ऐलान है। ये ऐलान है, हजरत का मुकाबिल में कोई आके, ये हजरत का मुकाबिल में कोई आके, दलाइल सुनते ही बातिल भिड़क कर भाग जाते हैं और दिलों में जस्तजू होती है और तकवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। अकली दलाइल जब पेश करते हैं, अकली दलाइल जब पेश करते हैं तो बातिल भिड़क कर भाग जाता है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत वाला से गुजारिश है, जो लोग खड़े हुए हैं उनसे निहायत अदब अहतराम के साथ मैं इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग बैठ जाइए और जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर लीजिए। आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फकद काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, जलसेगाह में तशरीफ लाए हुए मेहमानान ज़ीवकार, माओं और बहनों, आज का ये इजलास जिस उनवान पर मुनक़िद हुआ है, आप हजरात के सामने वो उनवान आ चुका है, तो नन्हे नन्हे बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उसी मुनासिबत से इस मुबारक मौके पर तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के उनवान से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बहुत बड़ी दौलत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, जिसे चाहता है इनायत फरमाता है। शुरू में बहुत से बच्चे हिफ्ज़ कुरान शुरू करते हैं मगर आखिर तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने साथ छोड़ देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 20-20 25-25 पारे कुरान हिफ्ज़ कर लिए और उसके बाद छोड़ दिया। यकीनन वो बच्चे और वो तलबा इंतहाई खुशकिस्मत हैं और काबिल मुबारकबाद हैं जो हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील कर लेते हैं, पूरा कुरान जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं। वो यकीनन बहुत ही खुशकिस्मत है। चंद मिनट के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस काम की बातें मुख्तसर से वक्त में कहलवा ले। जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया वो काबिल तारीफ
लायक मुबारकबाद हैं, उनके फजाइल हैं, उनके वालिदैन के लिए फजाइल हैं और हम और आप इसी को सुनते हैं, लेकिन वो हजरात और वो असातिज़ा भी बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने उन बच्चों के पीछे मेहनत की। ऐसे असातिज़े किराम से हमें और आपको अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। वो इदारे भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन इदारों से हुफ़ाज़े किराम निकलते हैं और जिन इदारों की चहार दीवारी में रहकर नन्हे नन्हे बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं, वो इदारे भी काबिल मुबारकबाद हैं। और इन इदारों की बहुत लंबी तारीख है और बहुत बड़ी खिदमात है और बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन हम और आपको जिस एतबार से इन इदारों से मोहब्बत करनी चाहिए, इन इदारों का और इन इदारों के पीछे मेहनत करने वालों का जिस तरीके से साथ देना चाहिए, हम और आप साथ नहीं देते। असातिज़ा कितनी मेहनत कर लें, जिम्मेदारान कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप हजरात का मुकम्मल ताउन नहीं होगा, आप हजरात का मुकम्मल साथ नहीं होगा, तो इनकी मेहनत जिस तरीके से रंग लानी चाहिए रंग नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं खास आप हजरात से यही बात करना चाहता हूँ कि आप हजरात मदारिस और मकातिब का भरपूर साथ दीजिए, भरपूर ताउन कीजिए। इन्हीं मदारिस की वजह से दीन बाकी है, इन्हीं मदारिस की वजह से नमाजें बाकी हैं, इन्हीं मदारिस की वजह से हमारी मस्जिदों से अजानें होती हैं। इन मदारिस को मामूली समझते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी एहसास होगा, जरा सी भी अकल होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन मदारिस की कीमत क्या है। एक साल से लॉकडाउन लगा हुआ, एक साल से तकरीबन मदारिस बंद है, मकातिब में तालीम बंद है, लेकिन मुसलमान है कि वो बेहिज है, एक साल के अंदर भी उनके अंदर एहसास बेदार नहीं हुआ और उन्होंने इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया कि मदारिस के बंद होने की वजह से कितना नुकसान हुआ। हमारी दुकानें बंद हो गई थी, हमारे कारोबार बंद हो गए थे, हमारी तिजारत बंद हो गई थी, हमारी बिजनेस बंद हो गई थी, उसके नुकसान का तो हमें एहसास हुआ, लेकिन मदारिस के बंद होने की वजह से मदारिस का और मदारिस वालों का और कौन का कितना नुकसान हुआ, हमें इसका एहसास नहीं हुआ। हम आप अच्छी तरह जानते हैं मदारिस में खिदमत करने वालों को जो तनख्वाहें मिलती हैं वो आप हजरात ही के ताउन से मिलती हैं। आप हजरात का ताउन नहीं होगा तो उनके लिए आसमान से उनकी तनख्वाहें नहीं बरसेंगी, ना जमीन से उनकी तनख्वाहें उगेंगी। आप हजरात ही के ताउन से उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको उनके इख्तियार पूरे होते हैं, मदारिस का सारा सरफा आप हजरात के ताउन से पूरा होता है। मदारिस में जो लोग खिदमत के लिए लगे हुए हैं उनका और कोई बिजनेस और कोई तिजारत नहीं होती है, और ये भी याद रखो वो मदारिस में खिदमत करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए मेहनत करते हैं, वो कौम की खिदमत के लिए मस्जिद मदरसे में लगे हैं, वो अपने पेट के लिए या अपनी जेब के लिए नहीं लगे हैं। मदारिस में रहकर मामूली तनख्वाहों पर हमारे और आपके बच्चों को जो तालीम देते हैं वो इसलिए नहीं कि उनका पेट बनेगा, उनके अच्छे मकान बन जाएंगे। आप जरा सोचिए, एक अनपढ़ आदमी जो बिल्कुल अंगूठा छाप होता है, कुछ नहीं जानता है, वो भी जब तिजारत की लाइन में जाता है तो बड़ी से बड़ी रकम वो कमा लेता है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन कोई किसी चीज की दुकान खोल लेता है, कोई कारोबार शुरू कर देता है तो वो बड़ी बड़ी रकमें कमाने लगता है। ये मदारिस में जो पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं, क्या अगर ये बिजनेस की लाइन में जाए, क्या तिजारत की लाइन में जाए, तो क्या इनको कमाई लंबी नहीं मिलेगी? यकीन मिलेगी, लेकिन तिजारत की लाइन में इसलिए नहीं जाते हैं कि अगर हम तिजारत की लाइन में लग गए तो हमारी कौम के बच्चों को दीन की तालीम कौन दे, हमारे और आपके बच्चों को
मेहनत करते हैं, जब मदरसे चलते हैं, मदरसे खोलते हैं, हमारा तावन करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और मदरसे बंद हो गए, सब ने मदरसों का तावन करना बंद कर दिया। और सबके जवाब ही कि मदरसे बंद है तो आप तावन की क्या जरूरत, मदरसे बंद है, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा और उनके जिम्मेदारों की तनख्वाह, आप बता कि तावन ही मिल दीजिए, उनकी कोई तिजारत, कोई दुकान, उनका कोई बिजनेस नहीं था, आप बता अपने तावन का हाथ अपना समेटा तो उनके ऊपर कितनी मुसीबतें और कितनी मशक्कतें आएंगी, क्या बता आपने कभी गौर किया? तावीज लेने के लिए, दुआएं कराने के लिए, मौलाना साहब की चाय पीने के लिए हम चले जाते हैं, लेकिन आप बता अपने गिरेबान में सरदार करके जरा गौर करें और सोचे कि हमने लॉकडाउन में उलमा इकराम का, हुफाज़े इकराम का, मदारिस में खिदमत करने वालों का कितना तावुन था। आपकी जिस तावुन से उनको तनख्वाह मिलती थी, आप लोग तावुन को बंद कर दिया, उसके अलावा आपने कौन सी खिदमत उनके साथ की है? आपने उन लोगों ने उलमा इकराम, हुफाज़े इकराम इतने खुददार होते हैं कि भूल को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने देते कि मुझे मेरे ऊपर फाते की मौत आ गई है। कितने उलमा इकराम, कितने हुफाज़े इकराम, मदारिस में खिदमत अंजाम देने वाले लॉकडाउन के अंदर ऐसे हुए हैं जिनको कई कई दिनों के फाते की मौत, लेकिन हमने उलमा का साथ नहीं दिया, मदारिस का साथ नहीं दिया। यही जवाब लोग देते थे कि मदारिस में तालीम बंद है तो ताउन की क्या जरूरत है, मदारिस में तालीम बंदी, लेकिन मदारिस में जिनको तनख्वाह मिलती थी उनके पास पैसे कहाँ आएंगे, मामूली जो तनख्वाह मिलती थी वो भी आप अपना अपने बंद कर दी, किस तरीके से उन्होंने एक साल का आपका गुजारा होगा हम आप उसका अंदाजा नहीं लगा। और इंतहाई तबलीग जमात की है कि जो साहिब सरवत हजरात थे, जो नादान हजरात थे, जिन्होंने लॉकडाउन में गरीबों की बड़ी से बड़ी मदद की है, यकीनन आप हजरात काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने मुसीबत के अय्याम में गरीबों की मदद की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप आपने गरीबों की तो मदद की, लेकिन उन बेचारे मदरसों में खिदमत अंजाम देने वालों की आपने मदद नहीं की। इंतहाई रोने का मकाम है कि लॉकडाउन के अय्याम में किस तरीके से हमने उनके ऊपर जुल्म किया, लेकिन उनकी उस आदत जर्मी को देखिए, उनके दिल की उदास को देखिए, लॉकडाउन में मदनी आई, मदारी खोलने की इजाजत हुई, फौरन आपके बच्चों के पीछे मेहनत शुरू कर दी। आपके बच्चों के लिए वो इतना करते हैं, लेकिन आपने इन मुसीबत के अय्याम में कितना साथ दिया है आप हजरात खुद सोच सकते हैं। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि हजरात का तावन कीजिए, ये मत कीजिए कि अपनी जबान में कुछ कहते रहिए तो इनका पेट भी बड़ा होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे होते हैं लेकिन अपनी जबान से इसका इजहार नहीं करते, या आपके पास चलने के लिए जो आते हैं या अपने पेट के लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ मदारिस के लिए आते थे, मदारिस की खिदमत के लिए, लेकिन अपने लिए कभी उन्होंने आप हजरात के सामने इसका इजहार नहीं किया। बड़े खुददार होते हैं ये फाता तो बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए इनकी खामोशी को और इनके इजहार न करने को, इनके सवाल न करने को आप देखो समझिए कि बड़े खुशहाल लोग हैं, इनके पास बड़ी दौलत है, इसलिए इनका तावन किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा आपके तावन का मुस्तहिक है, इसलिए आप हजरात मदारिस का तावन कीजिए। अगर मदारिस ना होंगे हमारे बच्चों को कुरान की तालीम कौन देगा, ये मदारिस ना होंगे नमाज पढ़ने का तरीका कौन सिखाएगा, ये नमाज ना होंगे मसाइल कौन बताएगा, ये मदारिस ना होंगे, मदारिस में हिम्मत अंजाम देने वाले ना होंगे। जरा आप गौर कीजिए कि मदारिस जब तक बंद है, मदारिस में हिम्मत अंजाम देने वाले असातिज़ा अगर वो इदारत की लाइन में लग गए होते और 10,000 15,000 रुपए कमाने लगते, क्या आज मदारिस
इसलिए आप हजरात मदारिस का मदारिस में हमको अंजाम देने वालों का आप हजरात ताउन लीजिए और ये आयत कह के जाए कि आप हजरात जैसे गांव में जा रहे सब पहले पहले कुछ ना कुछ आपके पास जो भी आपके जेब में हो अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर दे करके जाए। ये ना समझे कि चंदे का ऐलान हो गया नहीं, आप इस तरीके से पीजिए कि किसी को पता ना चले, सिर्फ आपको पता चले और मदारिस वालों को पता चले कि हाँ किसने ताउन किया। ये ना हो कितना बड़ा इंतजाम किया गया, इस इंतजाम के पीछे भी लंबा खर्चा आया है। कम से कम आप ये तो करके जाए कि यहाँ से जाए तो कुछ दीन की बातें लेने आए हैं तो कुछ मदारिस के साथ उसका ताउन करने के लिए आप हजरात को कुछ दे करके जाए। अगर आप हजरात का ताउन नहीं होगा तो मदारिस की हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए मदारिस उनको आप गनीमत समझे, ये आपकी ईमान की हिफाजत का जरिया है। मदारिस की बहुत से फजाइल है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं इन चंद बातों पर इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि आज आप हजरात मदरसे का ताउन फरमाएंगे और आइंदा भी हर मुश्किल में हर मुसीबत में आप हजरात मदारिस और मदारिस वाले के साथ खड़े नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमन की तौफीक अता फरमाए।